बजे कोई अज्ञात आदमी होने को मिलिटेंट मुसलमान थे, उन्होंने उसका गला रेत दिया, गला लड़के का, यहाँ हमारा लोकल लड़का था उसका गला रेत दिया और उसका गांव में घर पे ही मर्डर कर दिया, उसका घर के बाहर बिल्कुल घर के समीप ही उसका मर्डर कर दिया। ये उसके घर के घर वाले उसकी माता जी हैं, उसकी आई चाची जी। सामने देखा कि नेशनल हाईवे भी बंद है, रेलवे ट्रैक पे लोग आए हैं तो सर नाराजगी क्यों है, क्या पुलिस कोई काम नहीं, पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। दस रात 10 बजे का मर्डर हुआ है, आज तक अभी तक पुलिस ने किसी को कोई SDM ऊपर से कोई SDM तक नहीं आया, SP और DC की तो बात ही छोड़ो, SDM तक नहीं जा पाया है। बिल्कुल कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं या बात स्ट्राइक हो रही है इसको बंद कराओ, अपने अपने सोर्स लगा रहे हैं सभी। क्या कोई बॉडी पे निशान थे उनकी? कोई उसको गला काटा हुआ है। क्या लगता है आपको? जो वो मुसलमानों ने जैसे हलाल कर दिया ना किसी को, वैसे किया हुआ सारा। तो क्या मांग रहेगी आपकी? ये हमें इंसाफ चाहिए जी, हमें इसी पे इंक्वायरी चाहिए और जिसने मर्डर किया उसका पता चलना चाहिए किसने किया। प्लीज़ चाहे तो आधे घंटे 1 घंटे के अंदर सब कुछ कर सकती है। रात 10 बजे का हुआ है, जहाँ तक कोई DSP लेवल SP लेवल तक कोई आदमी नहीं आया हुआ है। इसी तरह डटे रहेंगे आप? हाँ, हम इसी तरह डटे रहेंगे। यहाँ तो पुलिस वाले दाड़े मार रहे हैं, आप पे FIR लगा देंगे, आप पे हम दो कर देंगे, जो मर्जी करो जी। क्या काम करते रहे ये अमरजीत को? जी भैया, मेडिकल की शॉप करता था गांव में, और सोशल लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था। इस तरह की वारदात सामने आई, कितना दहशत का माहौल है? दहशत का माहौल है, घर से लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं जी। हमारा बिल्कुल पीसफुल स्टेशन थे जी गाँव, अभी इतना इन्होंने गुजरों मुसलमानों ने इतना खराब कर दिया हालात, घर से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा। हाँ, अभी ट्रैक पे आ जाएंगे, जब तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं आएगी तब तक हम ट्रैक पे ही रहेंगे। क्या लगता है, कोई रंजिश लग रही है? कोई रंजिश नहीं है, कोई मिलिटेंसी है, कोई मिलिटेंसी के साथ हो रहा है, कोई रंजिश किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है उसको। फेल है, बिल्कुल 100% फेल है। आपको भी दिखाई दे रहा है, 10 रात 10 बजे का हुआ, अभी 11 बजे गया, अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया, एक भी आदमी अरेस्ट नहीं किया।
और लोग बता भी रहे हैं कि उनके घर के ये लड़के हैं। ये हमारी यहाँ जगह है ना, ये यहाँ मेरी ड्यूटी है। मेरा डिपार्टमेंट है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे मेरी बात सुनो, मैं सुबह आपके गया, मैंने आपसे असिस्टेंट मांगी कि रात को सब लेट है, बजाय इसके कि आप में से कोई एक ही बंदा मेरे साथ आया, आप सब नीचे आए हो। ये असिस्टेंट है पब्लिक की, किसको बोला ना यार? ये असिस्टेंट बात नहीं सुनी जाएगी, क्यों नहीं यार? मैं ऊपर गया सुबह, कौन था ऊपर? मैं खुद गया ना, छह से पहले ऊपर पहुंच गए थे, साढ़े चार बजे तक घर गए। साढ़े चार किसकी? जिस पे शक वो बता रहे हैं कि किसी बंदे पे उनको शक। सुनो मेरी बात, एक दो दस बंदे एक चीज बोलेंगे, अलग अलग बोलेंगे, उससे वो कंफ्यूजन पैदा होती है। आपके पास कोई बात है इकट्ठी करके एक जगह बताओ, मुझे बताओ, मैं एक से कर सकता हूँ। दिया आपने एक फोटो जिससे आपके 15-20 दिन पहले, महीने पहले किसी से बात नहीं है। भाई नहीं है कुछ घर काम करने बाहर के निके निके बच्चे है, उन्हें कि रोना, उन्हें कि रोना सर? मेरा बच्चा कौन मार गया? मेरा बच्चा गरीब हुआ अक्का मार दिया है, कुत्ते चुप्पा, कुत्ते चुप्पा।